शुभ दिन आप सभी के लिए। मैं वीरेंद्र कुमार, फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स का डायरेक्टर कम टीचर, आज आपको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने आया हूं। संतप्त तार यंत्र क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी बनावट कैसी होती है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप सब जानते हैं कि विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, एक दिष्ट धारा, इसको कहा जाता है इंग्लिश में डायरेक्ट करेंट, इन शॉर्ट डीसी, और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करेंट। इन शॉर्ट ये कहलाता है एसी। दिष्ट धारा को मापने के लिए जब हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं तो इस पर आधारित वोल्टमीटर और एक एमीटर दो यंत्र होते हैं। अब जब गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत पर आधारित वोल्टमीटर और एमीटर के द्वारा जब हम प्रत्यावर्ती धारा को मापेंगे तो हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को गैल्वेनोमीटर पर आधारित वोल्टमीटर और एमीटर से माप नहीं सकते, क्योंकि वो प्रत्यावर्ती धारा का जो विद्युत कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इस प्रकार से होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू हर क्षण बदलता रहता है और उसका डायरेक्शन भी एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद चेंज कर जाता है, बदल जाता है, यानी उलट जाता है। यानी अगर करंट ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा हो तो हाफ साइकिल के बाद राइट टू लेफ्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में गैल्वेनोमीटर का जो सुई इतनी तेजी में हिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में तो डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल में वो फिर इनिशियल पर यानी जीरो पर आ जाएगा, जिसके कारण कब वो डिफ्लेक्ट होगा और कब वो इनिशियल पर आएगा ये हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वही कहलाता है तप्त तार यंत्र। दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस बाय व्हिच अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड इज कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। याद रखिए, तप्त तार यंत्र के द्वारा एसी को भी माप सकते हैं और डीसी को भी माप सकते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर के द्वारा सिर्फ डीसी को मापा जा सकता है, एसी को मापा नहीं जा सकता। ये तप्त तार यंत्र विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम जानते हैं कि किसी तार को में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। चूंकि हीटिंग इफेक्ट जो है यानी एच हीट जो होता है वो आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है, या नहीं तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या नहीं तो वी इंटू आई इंटू टी। तो इसमें देखा जाए तो हीट जो है वह करंट के डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है, यानी लेफ्ट टू राइट करंट जाए या राइट टू लेफ्ट करंट जाए,
हीटिंग इफेक्ट दोनों परिस्थिति में होगा, यानी दोनों केस में उष्मा ही उत्पन्न होगा, हीट ही उत्पन्न होगा। इसी सिद्धांत पर तप्त तार यंत्र कार्य करता है। तप्त तार यंत्र में एक वृत्ताकार ढांचा होता है जिसके अंदर एक पॉइंट O होता है और प्लेटिनम और इरिडियम, ये प्लेटिनम तथा इरिडियम तार ए बी के बीच में बहुत कस करके टाइट करके ये इससे ओ से होकर के आता रहता है। अब इस कील पर, यहां पर एक कील होता है, इस कील पर रेशम का धागा इस प्रकार से लिपटा रहता है और यहां पर जो मुक्त सिरा है इससे यह एक स्प्रिंग जो है वो लगा रहता है, यानी यहां पर यह स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग है। अब इस पर एक पॉइंटर लगा होता है, एक पॉइंटर है पी और यहां पर एक स्केल बना रहता है जिस पर अंकित अंक जो है वो अंकित रहते हैं। अब यहां से एक वायर इधर T1 और T2 के बीच में ये जुड़ा होता है, ये वायर है प्लेटिनम एंड इरिडियम LY। अब जब यहां पर प्रत्यावर्ती स्रोत, ये आपका है प्रत्यावर्ती स्रोत अल्टरनेटिंग सोर्स, जब यहां से प्रत्यावर्ती धारा दिया जाता है तो हाफ साइकिल में अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो हाफ साइकिल में करंट इधर से फ्लो होगा। अब जब इधर से भी करंट जाएगा तो पर भी ए ओ बी वायर गर्म होगा, यानी प्लेटिनम और इरिडियम का एल वाई का तो वायर है वो गर्म होगा, और अगर इधर से भी करंट जाएगा फिर भी ये वायर जो है वो गर्म होगा। जब ये वायर गर्म होगा तो ये तार, इस तार की लंबाई कुछ बढ़ जाएगी, जब ये लंबाई बढ़ेगी तो तार कुछ ढीला हो जाएगा, जब ये तार ढीला होगा तो ये स्प्रिंग जो है वह सिल्क के धागा को अपनी ओर खींचेगा, जब ये सिल्क के धागा को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर लगा हुआ पॉइंटर, यानी जब इस पर सिल्क का धागा ऐसे अगर लिपटा है, मान लीजिए ऐसे अगर लिपटा हुआ है जब ये स्प्रिंग इसको खींचेगा तो स्वाभाविक है कि ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो इस पर लगा हुआ पॉइंटर इस स्केल पर जो है ना वो मूव करना शुरू करेगा, जिससे हमें विद्युत धारा का मान या विभवांतर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तप
सप्त तार यंत्र को दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक एमीटर के रूप में और एक वोल्ट मीटर के रूप में। यानी जब प्रत्यावर्ती धारा के मान को ज्ञात करना रहेगा उस समय, यानी इसका प्रयोग जब एमीटर के रूप में करना रहेगा उस समय यहां पर एक संट जोड़ दिया जाएगा, ये होगा आपका वेरी लो रेसिस्टेंस। वेरी लो रेसिस्टेंस का अगर संट यहां जोड़ दिया जाए तो ये जो है वो एमीटर के रूप में काम करना शुरू कर देगा। यानी इस तप्त तार यंत्र के द्वारा विद्युत धारा के मान को हम लोग माप सकते हैं। परंतु जब यहां से इस संट को यहां से हटाकर जब यहां लगा दिया जाए, ये वेरी हाई रेसिस्टेंस यानी उच्च रेसिस्टेंस को श्रेणी क्रम में सीरीज कनेक्शन में इसको जोड़ दिया जाए तो यह यंत्र जो है वह वोल्ट मीटर की भांति काम करना शुरू कर देगा। यानी तप्त तार यंत्र को पैरेलल में सेंटिंग करने पर वह एमीटर के रूप में और सीरीज में सेंटिंग करने पर वह वोल्ट मीटर के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। अब इसके द्वारा एसी को भी माप सकते हैं और डीसी को भी माप सकते हैं, क्योंकि यह यंत्र इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। इसको किसी भी प्रत्यावर्ती स्रोत में पैरेलल में जोड़ते हैं, जबकि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में यानी सर्किट में श्रेणी क्रम सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से तप्त तार यंत्र प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग प्रयोग करते हैं। और गैल्वेनोमीटर पर आधारित जो एमीटर और वोल्टमीटर है उसका प्रयोग एसी सर्किट में हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसका एसी और डीसी दोनों में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये रहा तप्त तार यंत्र की बनावट, सिद्धांत, क्रियाविधि और उसका उपयोग। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरे को भी बतावें। मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूंगा और हमेशा फिजिक्स 11वीं 12वीं से संबंधित जो भी थ्योरी है उस सब को मैं धीरे धीरे पढ़ाता जाऊंगा। और अगर किसी को कोई कमेंट करना हो तो हमें बेझिझक इस पर कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों के कमेंट का हमेशा इंतजार करता रहूंगा। धन्यवाद।